नमस्कार देवियों और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी और इस समय पर मॉर्निंग अपडेट हिमाचल की बात लेकर आप लोगों के बीच में हम हाजिर हैं। पूर्ण राज्यत्व दिवस है आज हिमाचल प्रदेश का और उसकी सबसे पहले आप सभी को लाइव टाइम्स टीवी और लाइव टाइम्स टीवी के पूरे परिवार की ओर से, मुकुल देव रक्षपति की ओर से बहुत बहुत बधाई। और उसी के साथ आज का सिलसिला हम शुरू करेंगे खबरों का। आप लोगों को बताएंगे कौन सी महत्वपूर्ण खबरें पूरे हिमाचल भर से हैं, ऐसी खबरें जो सभी इम्प्लॉयज के लिए भी बहुत जरूरी है, आप लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है, और ये सभी खबरें आप लोगों तक पहुंचाने के लिए यहां पर हम हाजिर हैं। तो इस स्ट्रीम को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें और कमेंट अवश्य करें, क्योंकि आज का दिन ऐतिहासिक हो सकता है, ऐतिहासिक होने वाला है। और क्या क्या और यहां पर हिमाचल प्रदेश में हो सकता है वो सब आप लोगों को यहां पर जानकारी देंगे। तो तीन ही चीजें आप लोगों को करनी है। सबसे पहले जो लाइक का बटन है उसे लगातार दबाते रहें, कमेंट्स के माध्यम से अपने यहां पर विचार जरूर रखें, और उसी के साथ साथ वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर अवश्य करें। गुड मॉर्निंग है यहां पर कुशल जी, आप लोगों से यहां पर बातचीत लगातार करते रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। तो आज का दिन हमारे बीच में, जैसे हमने बताया आपको, पूर्ण राज्यत्व दिवस आज हमारे बीच में है, तो यहां पर बहुत सी बड़ी बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। और उन सभी घोषणाओं में से सबसे बड़ी घोषणा है 3% बढ़ा हुआ डीए यहां पर हमारे कर्मचारी वर्ग को मिल सकता है। जी हां, जो नए वेतनमान आया था उसमें अनुसार 28% डीए उन्हें मिलना था, लेकिन पंजाब के तर्ज पर यहां पर 31% डीए की बात हुई थी। तो अब यहां पर आज ये बड़ी घोषणा हो सकती है कि 3% डीए और बढ़ाया जाए। तैयारियां हालांकि उसके लिए कहा जा रहा है कि मुकम्मल थी, सूत्र जो बता रहे हैं। तो अभी यहां पर आज सोलन के अंदर राज्य स्तरीय आज हमारे बीच में यहां पर समारोह होना है, और उसके लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर यहां पर कुछ ही समय में पहुंचेंगे। स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए इसे। काकू जी, सोनू जी, आप सभी लोगों का यहां पर बहुत स्वागत है जी, सबको गुड मॉर्निंग है जी। स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए। तो हमारे जो इम्प्लॉयज हैं उनको यहां पर बढ़ा हुआ 3% डीए दिया जा सकता है, और यानी कि अब 28% जो इनके लिए यहां पर प्रावधान किया गया था, और यहां पर उस प्रावधान में अब 28 से 3% बढ़ के वो 31% तक जा सकता है। आज यहां पर ये घोषणा हो सकती है। जब घोषणाओं की बात हो रही है तो हमारे पुलिस के जो हमारे जवान हैं उनके लिए भी, आज तो नहीं लेकिन उनके लिए भी एक तैयारी यहां पर हो रही है, जो सूत्रों के हवाले से पता भी चला है। कल एक मीटिंग भी थी, और अगर उस बार उसके बारे में बात करें, आप लोग स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। गुड मॉर्निंग है राजेश जी, संजीव जी, प्रदीप जी, घोषणा योगी मिलेगा कुछ नहीं, उसके बाद राजेश जी, संजीव जी, कुलदीप जी। चलिए, तो उसके बाद पुलिस पे बैंड की यदि बात करें, जो वेतन विसंगति पुलिस की समय पर चली हुई है, उस वेतन विसंगति की यदि बात करें तो उस वेतन विसंगति पर भी अब जो सरकार है उन्होंने संज्ञान लिया है। कल पुलिस के अधिकारियों की यहां पर शासन के अधिकारियों के साथ बैठक हुई है, और इस बैठक में ये निर्णय लिया गया है, या इस तरह के कुछ हमारे बीच में संजोग बन रहे हैं कि जो 8 साल का ये जो प्रोविजनल पीरियड है इसको कम करके 5 साल कर देने की बात हुई है। हालांकि सूत्र सबके होते हैं, तो जो यहां पर हमारे बीच में पीड़ित लोग हैं उन लोगों के भी सूत्र थे, उनको जब इसके बारे में पता चली तो उन्होंने उसी समय पर जाकर यहां पर अपने आला अधिकारियों को बता दिया कि जी उससे फायदा तो कुछ लोगों को होगा लेकिन ज्यादातर लोगों का नुकसान ही होगा। तो जो वो 8 साल का समय है वो 5 साल की जगह आप 2 ही साल कीजिए, जैसे बाकी सब इंप्लॉयज के लिए, नरेश जी, संतोष जी, सोहन जी, शर्मा वीरू जी, इन सब आप लोगों का बहुत बहुत यहां पर स्वागत है जी। स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट्स के माध्यम से जुड़ते रहे। तो जैसे कि हमने आपको यहां पर बताया कि उन सब लोगों को भी ये कहा, जो सरकार है वो 8 से 5 साल ये करने जा रही है, लेकिन वो 8 से 5 साल करने के साथ साथ यहां पर ये बड़ी बात हमारे बीच में जो सामने आ रही है वो ये है कि जो सरकार, तो यहां पर प्रयास ये है कि 5 साल हो सकता है, लेकिन 5 साल की जगह यहां पर अभी भी 2 ही साल पर अड़े हुए हैं जो हमारे कांस्टेबल भाई बहन है, और वो चाह रहे हैं कि भाई 2 ही साल, जैसे और जगह पर 2 साल होता है, तो हमारे लिए भी यहां पर 2 ही साल रखा जाए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप लोग क्या मानते हैं, आप भी कमेंट्स के माध्यम से बताइए। प्रभा जी, पत्याली जी, उसके बाद रीना जी, अक्षु जी कह रहे 2 साल होना चाहिए। सीएम के पास अपने मंत्रियों के लिए सब कुछ है, अपने कर्मचारियों के लिए बजट नहीं होता। प्रदीप जी, हालांकि कर्मचारियों के लिए आज शायद बड़ी घोषणा हो सकती है, 3% बढ़े हुए डीए की यहां पर बात हो सकती है। तो जैसे कि मैं बता रहा हूं कि यहां पर जो पुलिस के बल है, आप सभी लोग जो यहां पर जुड़े हैं अपने कमेंट्स के माध्यम से सारी चीजों पर अपनी टिप्पणियां जरूर देते रहे ताकि हम लोगों को भी यहां पर पता लगे। गुड मॉर्निंग है जी सभी को। इसी के साथ जो पुलिस की बात करें तो वहां से मैंने बताया जैसे कि 8 साल का जो उनका प्रोविजनल पीरियड है उसको 5 साल करने की तैयारी यहां पर हो रही है, लेकिन उसको लेकर यहां पर आज कोई बड़ी घोषणा नहीं होगी। आज उसकी घोषणा होने की यहां पर कम चांसेस हैं, लेकिन उसी के साथ साथ जो हमारे बीच में बाकी के लोग हैं उन लोगों के लिए 28 से 31% डीए करने की यहां पर बात हो रही है।
इसके साथ साथ आगे की ओर बढ़ते हैं, वहां पर भी आपको बताएं हिमाचल प्रदेश में और जो हमारे बीच में आउटसोर्स इंप्लॉयज हैं उनके लिए एक बड़ी खबर यहां पर आ रही है। जो आउटसोर्स इंप्लॉयज हैं उनके लिए एक स्थायी नीति बनाने के लिए जो कमेटी गठित की गई है, उन लोगों ने भी यहां पर 28 तारीख को वो सुबह 11 बजे यहां पर मिलने वाले हैं, क्षमा चाहेंगे। कमेटी की चेयरमैनशिप हमारे बीच में महेंद्र सिंह ठाकुर जी के पास है, सुरेश भारद्वाज जी, सुखराम जी जो कैबिनेट के मंत्री हैं, वो सभी वहां पर कमेटी के यहां पर मेंबर हैं। उन सभी लोगों को यहां पर जुड़ने के लिए कहा गया है। 28 तारीख को सुबह 11 बजे आउटसोर्स के लिए यहां पर नीति बनेगी और उसी की बात यहां पर रहेगी। आपके प्रश्नों पर आते, कंप्यूटर टीचर पॉलिसी कब तक, 22 साल हो गए हैं जी, अभी तक तो नहीं है, ये सही कह रहे हैं। वाटर गार्ड का कुछ सोचा है, अब भगवान जाने जी वो भी नहीं है। उषा जी गुड मॉर्निंग, कॉलेज कब तक बंद है? कॉलेज और स्कूलों पर भी आते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि बंदिशें हमारे बीच में यहां पर बढ़ा दी गई है। विंटर क्लोजिंग स्कूल ऑलरेडी 15 फरवरी तक बंद थे ही थे और जो कॉलेजेस हैं वो 5 फरवरी तक ऑलरेडी बंद है, उनके लिए कुछ बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन उसी के साथ हिमाचल प्रदेश में जो कोरोना बंदिशें बढ़ाई गई हैं उसके साथ साथ ही अब 31 तारीख तक जो हमारे स्कूल हैं वो भी बंद रहेंगे। हालांकि स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी, हर घर पाठशाला के तहत उनकी ऑनलाइन पढ़ाई यहां पर जारी रहेगी और सभी बच्चों को व्हाट्सएप के माध्यम से यहां पर चीजें भेजी जाएगी जो वो वहां पर जाके पढ़ भी सकते हैं। आप सभी लोग स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और आगे की ओर आप लोगों को बताते रहते हैं कि क्या क्या होने वाला है। जो जो बड़ी खबरें उसको एक बार दोबारा बता देंगे। बात करें हिमाचल प्रदेश में करुणा मूलक की तो वहां पर जो 5% हमारे बीच में इसके लिए एक कैप लगाई गई थी फोर्थ क्लास के लिए, वो कैप अब सरकार द्वारा हटा दी गई है और उसके साथ साथ ही अब यहां पर 5% नियुक्ति की जो सीलिंग हटाने के साथ साथ ही यहां पर जो रिक्त पद होंगे उन्हें भरा जा सकता है यहां करणामूलक आधार पर, बेलदार और जो हमारे बीच में डेइंग कैडर है उसको छोड़कर। जो थर्ड क्लास के लोग भी यहां पर गए हैं वो भी यहां पर फोर्थ क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट खाते से ये एंट्री यहां होनी है। लेकिन फिर उनको थर्ड क्लास वाली जो जगह थी, जो थर्ड क्लास थ्री की जगह थी, वो यहां पर छोड़नी पड़ेगी। तो महत्वपूर्ण खबर है उन लोगों के लिए भी जो यहां पर करुणा मूलक पे आश्रित है। उसी के साथ साथ यहां पर सरकार द्वारा कहा गया है, जो विभाग द्वारा कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश में फरवरी के बीच में यहां पर कोविड का पीक आएगा। कितने हम तैयार हैं वो भी आप समझ लीजिए। यहां पर हिमाचल प्रदेश में इस समय पर 11,445 बेड है, जिसमें से 1,014 पर वेंटिलेटर है, 8,765 नॉर्मल बेड्स है, 3,079 ऑक्सीजन बेड्स हैं और आईसीयू बेड 391 हैं। अब कोई भी व्यक्ति जो यहां पर अस्पताल में भर्ती होगा उसके लिए 90% ऑक्सीजन लेवल अगर उसका कम होता है या 90% होगा तभी उसे यहां पर भर्ती किया जाएगा, अन्यथा उसे भर्ती करने की यहां पर आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ साथ अगली खबर अगर आप लोगों को बताएं तो जो फर्जी शराब मामला था, जो यहां पर जहरीली शराब का मामला, आप स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिए, लाइक का बटन कम से कम लगातार दबाते रहें और आप सभी लोग जो यहां पर जुड़े हैं आप सभी लोगों को बाकी जानकारी भी देते रहेंगे। तो जो फर्जी शराब प्रकरण की बात यदि हम यहां पर करते हैं तो फर्जी शराब प्रकरण में इस समय पर हमारे बीच में कालू, गौरव और प्रवीण की चल अचल संपत्ति को यहां पर जब्त कर लिया गया है, सीज कर लिया गया है और जितने भी बाकी के 13 में से 3 तो ये हो गए, बाकी जो 10 बचते हैं उनके भी बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है। इनमें से जिनके पास आय से अधिक संपत्ति है वो यहां पर उसके भी रिपोर्ट बना के ईडी को दी जाएगी और ईडी आगे इस पर काम करेगा। यह भी कहा गया है कि जो यहां पर जिन लोगों ने यह गुनाह किया है उन लोगों की जो संपत्ति है उसको कुर्क करके यहां पर जो पीड़ित है उनको यहां पर सहायता प्रदान की जाएगी, लेकिन क्या होता क्या नहीं उस पर अभी तक लगातार काम चलाई हुआ है। चलिए बहरा, इसके साथ साथ आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का अलर्ट आज भी है, लेकिन उसी के साथ साथ अभी तक 685 रोड, 415 बस रूट, 1,288 ट्रांसफॉर्मर हमारे बीच में खराब है। इस वजह से काफी जगह पर पानी भी नहीं पहुंच रहा और काफी जगह पर और भी समस्याएं यहां पर सामने आ रही है। बुलेटिन में दोबारा से एक बारी आप लोगों को बताने से पहले हम यहां पर पढ़ लेते हैं। सर आईटीआई के पेपर कब होंगे जी? खुल जाए उसके बाद ही माया ठाकुर जी हो पाएंगे। जेबीटी कमीशन का रिजल्ट कब? अब तो 4 साल हो चुके हैं इसके बारे में, हालांकि अभी तक कुछ भी यहां पर नहीं कहा गया है। सनी जी गुड मॉर्निंग है जी, जय 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 श्री राम है आप लोगों को भी। साहब ठाकुर जी आपने नंबर दिया है जी, बिल्कुल आप 9882837038 पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अनिल वर्मा जी गुड मॉर्निंग है, स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिए, लाइक का बटन लगातार दबाते रहे और कमेंट अवश्य करते रहे। राजू पंतू जी, पनातू जी गुड मॉर्निंग है जी। तो जाते जाते एक बार दोबारा सुन लीजिए, आज का दिन बहुत अहम है आप सभी लोगों के लिए। हमारे जो कर्मचारी उनको 3% बढ़ा हुआ डीए मिल सकता है, जो नए वेतनमान में हमारे बीच में 28% डीए था उसको बढ़ा के 3% और बढ़ाने की यहां पर बात हो रही है, आज उसकी घोषणा हो सकती है।
आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति के लिए 28 जनवरी को सुबह 11 बजे यहां पर एक बैठक रखी गई है जो यहां पर होनी है। उसी के साथ पुलिस पे बैंड की जो विसंगति है उसमें 8 साल से प्रोविजनल पीरियड कम करके 5 साल करने की बात की गई है। बंदिशों की बात करें 31 जनवरी तक वो बढ़ चुकी हैं, उसमें हालांकि अब बच्चों के स्कूलों के ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। इसके साथ हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का आज भी यहां पर अलर्ट है, बर्फबारी और भारी बारिश का। और उसी के साथ साथ जो जहरीली शराब मामलों में जितने भी लोग हैं उनमें से कालू, गौरव और प्रवीण की जो चल अचल संपत्ति है उसे फ्रीज कर दिया गया है, बाकी सबके बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में कोविड की लहर, तीसरी लहर की जो पीक है वो फरवरी में आएगा। हिमाचल प्रदेश में इस समय पर 11,445 बेड यहां पर मौजूद है, उम्मीद की जा रही है, मतलब ऐसा कयास है कि 50,000 के आसपास एक्टिव मामले उस समय पर होंगे। आखिर में करुणामूलक भर्ती पर जो फोर्थ क्लास की भर्ती है उसमें 5% की नियुक्ति का जो सीलिंग है वो हटा दी गई है। इसी के साथ आप सभी लोग जो यहां पर जुड़े आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आउटसोर्स वालों का हमने बताया है यहाँ पे, और आप सभी लोग जो यहाँ पर जुड़े आप लोगों का धन्यवाद। स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से लगातार जुड़ते रहे और लाइफ टाइम्स टीवी देखते रहे। मेरा नाम कुलदेव रक्षपति, आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। लाइफ टाइम्स टीवी को फॉलो करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, वीडियो को जरूर शेयर करें। जय हिंद।